गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर संजय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन। आज हम आप लोगों को BEd SE 03 पे आज हम चर्चा करेंगे, जिसपे BEd SE 03 जिसमें हियरिंग लॉस में डेफिनेशन, चैलेंजेस एंड कॉन्जिनिटल एंड एक्वायर हियरिंग लॉस के बारे में हमारा जो आज चर्चा होना है वो होगा। हम आगे चलते हैं। आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे, डेफिनेशन ऑफ हियरिंग का, कॉन्जिनिटल हियरिंग लॉस क्या है, जन्मजात श्रवण दोष जिसको कहेंगे, और एक्वायर्ड हियरिंग लॉस जो है अर्जित करने वाला, और चैलेंजेज ऑफ हियरिंग लॉस, चुनौतियां हियरिंग लॉस अगर है तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ये सब जान पाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं हियरिंग क्या है। हियरिंग, जैसा हम पहले भी वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया भी है, हियरिंग यानी सुनना। अब यहाँ पे हियरिंग और लिसनिंग दो चीज़ें होती हैं। एक हियरिंग होता है, हियरिंग है, और एक होता है लिसनिंग। तो हियरिंग यानी क्या है? हियरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी सीखा हुआ व्यवहार ये नहीं कह सकते, नेचुरल प्रोसेस है। जैसे वातावरण की तमाम ध्वनियाँ जो हम परसीव कर रहे हैं वो हियरिंग है। लेकिन लिसनिंग वहाँ हो जाता है जहाँ से हम उस ध्वनि के प्रति जागरूक हो जाते हैं, ध्वनि का सेंस हमें समझ पाने लगता है क्या चीज़ें हैं। और हियरिंग और अगर हम लिसनिंग की बात करें तो हियरिंग जहाँ एक नेचुरल प्रोसेस है, हियरिंग लिसनिंग क्या होगा? एक सीखा हुआ व्यवहार है, यानी हम सीखते हैं वातावरण की तमाम ध्वनियों से। जब हम कंडीशन होते हैं, कंडीशन होने के बाद जब हम प्रतिक्रिया देते हैं तो ये हमारी लिसनिंग होती है। तो आज हम जानेंगे हियरिंग क्या है। ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू हियर एज वेल एज समवन विथ नॉर्मल हियरिंग, हियरिंग थ्रेशोल्ड 20 dB और बेटर इन द बोथ हियर, इस यानी 0 to 25 dB का रहता है, तो ये हमारा नॉर्मल हियरिंग सेंसिटिविटी है। और डिग्री के आधार पे हम तमाम डिग्रीज है जिसमें हम जैसे जान पाते हैं माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर एंड प्रोफाउंड। तो माइल्ड है हमारा क्या, यानी माइल्ड हियरिंग लॉस अगर है तो ये 25 टू 40 का है, और फिर 40 टू इसमें 41 टू 70 का है, मॉडरेट है, फिर मॉडरेटली सीवियर है 71 टू 90, फिर सीवियर है 91 टू 120, फिर उसके बाद प्रोफाउंड का। तो इस तरीके से हमारा माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर एंड प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है। ये डिग्री ऑफ हियरिंग लॉसेस, ठीक। तो इसके बाद हम आज आगे जो मेन है हमारा आज का है डेफिनेशन ऑफ हियरिंग लॉस। इसमें दो चीज़ें हमारे पे हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, हियरिंग इम्पेयर्ड या एक होता है कॉन्सेप्ट हियरिंग इम्पेयर्ड, हार्ड ऑफ हियरिंग, ये तमाम चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये जो है डेफ की बात होती है, मीनिंग मीन्स पर्सन हैविंग 70 dB हियरिंग लॉस इन द स्पीच फ्रिक्वेंसीज इन बोथ ईयर, यानी 70 dB या डीबी या इससे एबव का है तो हम उसको डेफ कैटेगरी में हम डालते हैं। हार्ड ऑफ हियरिंग का जो है वो 60 to 70 dB के इन बिटवीन अगर है तो हम उसे हार्ड ऑफ हियरिंग का बात करते हैं। और हियरिंग इम्पेयर्ड यानी जिसमें भी कोई भी अगर डिफिकल्टी आ गई है हियरिंग सेंस से मतलब, तो वो हियरिंग इम्पेयर्ड ही कहा जाएगा। तो कैटेगरी हमारी दो चीज़ें दी गई हैं, 70 dB पे हम डेफ का वो कर रहे हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग का जो है मानक वो 60 to 70 dB। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्जिनिटल हियरिंग लॉस। कॉन्जिनिटल यानी ये बाय बर्थ की बात है। अब इसकी जो जन्म से या जन्म होने के बाद, यानी हम उसको कह सकते हैं प्रीलिंगुअल, भाषा विकास के पहले, लेकिन ये यहाँ हम बर्थ के समय ही बात करेंगे। कंजिनिटल हियरिंग लॉस यानी ये कैसा लॉस है, जन्मजात, बच्चा पैदा हुआ उसी समय या पैदा होने के बाद, हम स्क्रीनिंग करने के बाद अगर समझ में आया कि उसके अंदर हियरिंग लॉस है या उसका हियरिंग सेंस प्रभावित है, तो जन्म के समय ही उसको हम कॉन्जिनिटल हियरिंग लॉस करते हैं। इट कैन कंक्लूड हेरिडिटी हियरिंग लॉस, यहाँ पे जो है आनुवंशिक, आनुवंशिक का मतलब होता है यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हुआ है, अगर हमारे
जो बच्चा हियरिंग लॉस वाला है, तो ये देखा जाता है जेनेटिक तो नहीं है, उसके दादा पिताजी दादा या उसके और पीढ़ियों में कहीं हियरिंग लॉस के सिम्टम्स तो नहीं है, तो जमजात इसीलिए है। फिर हम नेक्स्ट इफेक्ट, जेनेटिक फैक्टर्स क्या क्या हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में अगर कॉन्जिनेटल हियरिंग लॉस की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे तीन चीजें, जेनेटिक फैक्टर्स थ्रू द कॉजेज ऑफ मोर देन 50% ऑफ ऑल इंसिडेंट्स कॉन्जिनेटल हियरिंग लॉस। तो जेनेटिक हियरिंग लॉस में भी ऑटोसोमल डोमिनेटेड या ऑटोसोमल डोमिनेट या डोमिनेंट का है या ऑटोसोमल रिसेसिव है ऑफ एक्स लिंक रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोजोम करके है। तो ये तीन तरीके का हम आज जिस पे ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोजोम एक प्रकार का है, तो हम ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, ये दो तरीके की हम चर्चा करने वाले हैं। तो जहाँ पे कैसे प्रभावित करता है या कैसे सिम्टम्स इसके होते हैं, तो हम इस पे जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ऑटोसोमल डोमिनेंट हियरिंग लॉस, ऑटोसोमल डोमिनेंट हियरिंग लॉस, वन पेरेंट्स हु कैरीज द डोमिनेंट जीन ऑफ हियरिंग लॉस एंड टिपिकली हेयर द हियरिंग लॉस पासेस इनटू द चिल्ड्रन, इन द केस देयर इज ए लीस्ट 50% प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड विल आल्सो हैव अ हियरिंग लॉस। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है, अगर हियरिंग लॉस की हम बात कर रहे हैं, तो 50% के चांसेस होते हैं कि बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड हो अगर इस कैटेगरी में आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट में। तो उसके अलग अलग कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है जेनेटिक वाले में कि ग्रैंड पेरेंट्स या वन साइड ऑफ फैमिली माता और पिता के पक्ष से किसी भी पक्ष से अगर दादा परदादा में अगर ये चीजें पाई गई हैं तो वो चीजें ऑटोसोमल हियरिंग लॉस। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं कपल है वो पूरी तरह से नॉर्मल हियरिंग के थे, तो वहाँ 50% चांसेस हो जाता है अगर जेनेटिक में है उसके दादा परदादा या ये सब अगर कोई है, और भले ही उसके कपल जो माता पिता हैं वो नॉर्मल हियरिंग वाले हैं, तब भी 50% चांस होता है कि बच्चा श्रवण बाधित हो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम चलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव हियरिंग लॉस पे। यहाँ पे क्या है, ये बताते हैं कंडीशन में कि अगर माता पिता दोनों कपल या एक या दोनों अगर उसमें हेयरिंग इम्पेयर्ड है, श्रवण से प्रभावित है, अगर उनका श्रवण प्रभावित है, तो मैं 25% चांस हो जाते हैं उसके होने के कि वो यहाँ प्रोबेबिलिटी चाइल्ड हैविंग हियरिंग लॉस 20%। अगर इन केस बिकॉज द बोथ पेरेंट्स यूजुअली हैव नॉर्मल हियरिंग, यहां पे जो बता रहे हैं कि अगर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हियरिंग के हैं और वो जेनेटिक फैक्टर्स में अगर आते हैं, तो फिर भी हमारे चांस हो जाते हैं कि 25% बच्चा प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है कि वो हियरिंग लॉस हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्स लिंक हियरिंग लॉस, जो सेक्स क्रोमोजोम से हमने बताया है। यहां पे ऐसे हियरिंग लॉस होने की संभावना हो जाती है, यहाँ पे जैसे डाउन सिंड्रोम का है, यूजर संबंध, देयर आर सम जेनेटिक सिंड्रोम इन विच हियरिंग लॉस इज वन ऑफ द नोन कैरेक्टरिस्टिक सम एग्जांपल्स। यानी ये हमारे जितने भी हैं ये जेनेटिक सिंड्रोम के तहत आते हैं, जो एक डाउन सिंड्रोम में, यूजर सिंड्रोम है, टीचर्स कॉलिंग सिंड्रोम है, क्रोजन सिंड्रोम है, एल्पोर्ट सिंड्रोम है, ये ऐसे हैं जहाँ या माता या पिता के पक्ष में अगर ऐसे चीज़ें ऐसे सिंड्रोम पाए जाते हैं तो प्रायः उसकी संभावनाएं होती हैं कि बच्चा हियरिंग लॉस पैदा हो या बच्चा जो पैदा हो उसमें हियरिंग अफेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर कॉजेज कॉन्जेनिटल हियरिंग लॉस। अदर कॉजेज में यहाँ पे दिया गया है जैसे बच्चे का अगर मिडिल ईयर प्रभावित हो जाए या बच्चे में मेनिनजाइटिस जैसे तमाम इन्फेक्शंस, या मदर का जब वो बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय माँ अगर इन्फेक्टेड हो जाए, या जो बहुत सारे वायरल फीवर होते हैं, मस्तिष्क मेनिनजाइटिस, मीजल, चिकन पॉक्स, ये तमाम जो वायरस इन्फेक्शन हैं इस तरीके से अगर प्रभावित होते हैं, तो फिर भी हमें संभावना ये बन जाती है कि हमारा बच्चा जो आएगा माँ के गर्भ से पैदा होगा वो हियरिंग लॉस होने की संभावना हो जाती है। तो ये है जैसे इलनेस,
टॉक्सिक कंज्यूम्ड, मतलब जो मेडिकल इन्फेक्शन मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या अदर कंडीशन अकरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, तो ये भी होता है। और एक होता है जैसे टाइम ऑफ बर्थ, जैसे बच्चा पैदा होने के बाद अगर उसका शरीर पूरा ब्लू हो जाए, ब्लूइश हो जाए, यानी ऑक्सीजन की कमी, तब भी ये होता है कि बच्चा हो सकता है कि उसका कोई ना कोई सेंस ऑर्गन अफेक्ट हो जाए, चाहे हियरिंग का हो चाहे विजुअल का हो, संभावनाएं बन जाती हैं। फिर नेक्स्ट में हम जाते हैं, नेक्स्ट है एक्वायर्ड हियरिंग लॉस। एक्वायर्ड हियरिंग लॉस यानी बाद में होता है, ये बच्चा पैदा तो नॉर्मल हुआ था, उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में संभावना हो गई कि वो हियरिंग लॉस हो गया। और उसके अलग अलग कंडीशन है, उसमें क्या ऑटिटिस मीडिया यानी ईयर इन्फेक्शन हो गया, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द मिडिल ईयर। ईयर इन्फेक्शन कैसे होता है, ये अगर इन्फेक्शन होने के बाद हमारा अगर मिडिल ईयर या इनर ईयर अगर प्रभावित हो जाए, इन्फेक्ट हो जाए, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। यानी बच्चा नॉर्मल था पहले हियरिंग सेंस उसका सही था, बाद में अफेक्ट होने के बाद वो इस तरीके के अगर डिजीज आ जाते हैं तब जाके होता है, जैसे ईयर इन्फेक्शन मिडिल ईयर में हो गया। दूसरा कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में अगर हम उसमें पानी कहते हैं कि पस वगैरह आ जाए, कोई लिक्विड आ जाए, और काफ़ी दिन तक कान में हमेशा सनसनाहट जैसे रहेगा, बारीपन रहेगा, तो ये सनसनाहट और ये सब मिडिल ईयर में अगर इन्फेक्शन हो गया तब भी चांसेस हो जाता है कि हियरिंग लॉस हो जाए। मे बी कॉजेज ऑफ बंडर टीटर ईयर इन्फेक्शन, हेड इंजरी, ब्लो टू द ईयर फ्रॉम पॉकिंग समथिंग इन द ईयर। तो यहाँ पे जो तीसरा जो कारण है कि अगर हेड इंजरी हो जाए इन्फेक्शन के साथ साथ, जैसे बच्चा अगर छत वगैरह पे है और वहाँ से अगर वो लुढ़क जाए या गिर जाए, और आने के बाद अगर उसके सर के बल अगर आ गया, हेड में अगर उसको चोट ज़्यादा लग जाए, तब भी प्रभावित हो जाता है उसका हियरिंग सेंस, जो यहाँ पे दिया गया है। और डिजीज वायरस इन्फेक्शन का है, जैसे मेनिनजाइटिस, मिजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ये तमाम जो है ये वायरस से अफेक्ट होता है। इस तरीके की अगर बीमारियाँ बच्चे को हो जाए तब भी संभावना होती है कि बच्चा हियरिंग लॉस हो जाए। और ड्रग्स या दिस सर्टेन ड्रग्स एंड मेडिकेशन, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई भी ड्रग्स यानी दवा मेडिसिन वगैरह लिया गया और वो बच्चे को प्रभावित किया, उसका साइड इफेक्ट हुआ और बच्चे का हियरिंग सेंस प्रभावित हुआ या चला गया। और है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ लाउड नॉइज, ये भी एक होता है, जैसे बहुत लाउडनेस बहुत ज़्यादा है, वो भी एक्वायर्ड हियरिंग लॉस के तहत आता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है जो शोरगुल वाले जगहों पे, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस की अगर बात कर लें या बहुत सारे मिल और फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं, जहाँ पे लाउडनेस हमेशा बहुत तेज़ होता है, शोरगुल बहुत तेज़ हो रहा है, तो अगर ये भी लॉन्ग टर्म वहाँ पे ड्यूटी चालू रहा काफ़ी दिन तक, अगर वो आदमी ड्यूटी करता रहा, तो ये भी हियरिंग लॉस के कंडीशन हो जाता है कि धीरे 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 प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस के तहत एक्वायर्ड हियरिंग लॉस ये भी बोला जाता है, तो धीरे धीरे उसका हियरिंग लॉस हो जाता है। तो मैन हेड ट्रामा हमने बताया है, हेड ट्रामा यानी अगर एक्सीडेंट हुआ किसी भी व्यक्ति का और इंजरी अगर उसके हो जाए, और खासकर बाया जो हमारा होता है हेड का, तो ये अगर प्रभावित हुआ तो हमारा लैंग्वेज जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है, पहली बात उसकी मेमोरी चली जाती है, दूसरा हेड इंजरी में सुनना प्रभावित हो जाएगा। तो ये प्रायः इसका था एक्वायर्ड हियरिंग लॉस में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, चैलेंजेज ऑफ हियरिंग लॉस। ये बहुत बड़ा इस पर है चुनौतियाँ, अगर हियरिंग लॉस है सबसे बड़ी चुनौती एक श्रवणबाधित बच्चे के लिए यही है कि बच्चे का अगर हियरिंग प्रभावित होता है, हियरिंग सेंस, तो दूसरा उसका स्पीच भी प्रभावित हो जाता है, लैंग्वेज और स्पीच, वाणी और भाषा, और जिसकी वाणी और भाषा प्रभावित होता है तो वो उसके शैक्षणिक प्रगति को या एजुकेशनल परफॉर्मेंस को भी प्रभावित करता है। तो बहुत चैलेंजेज है एक नॉर्मल हियरिंग वाला बच्चे की अपेक्षा की, अगर श्रवणबाधित बच्चा है तो उसका देखेंगे भाषा विकास नहीं होता है। तो इसमें चैलेंजेज जो आती हैं एक बच्चे के लिए, वो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो समाज में अपने आप को समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो प्रायः
समाज में रहता है, और समाज में रहता है तो समाज से जुड़ने के लिए हम आपको समाज से जुड़ने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, वाणी की आवश्यकता होती है, और भाषा वाणी जिसके पास है उसे वही वो संप्रेषण कर पाता है। और ये चीज़ें जो हैं वाणी और भाषा एक श्रवण बाधित के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, जटिल है, बहुत डिफिकल्टी है, इसकी वजह से उनका संप्रेषण प्रभावित हो जाता है। संप्रेषण जिसका प्रभावित होता है उसका व्यक्तिगत विकास कर ले, चाहे व्यक्तित्व का विकास कर ले, चाहे सामाजिक विकास कर ले, ये तमाम विकास अफेक्ट हो जाता है। तो हम हेयरिंग चैलेंजेस पे अगर हम बात करें तो एक होता है लैक ऑफ अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस। जो हमारे अगर हम अपने यहाँ बात करें तो सबसे बड़ा है अवेयर होना। आज प्रायः सुविधाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से हर हॉस्पिटल में हो रहा है, बच्चा पैदा होने के बाद से ही उसकी स्क्रीनिंग होना चाहिए, ये लोगों में जानकारी होना चाहिए, उसी समय हियरिंग असेसमेंट हो जाए। प्रायः हियरिंग जो डिसेबिलिटी है ये एक हिडन डिसेबिलिटी है, ये अगर वहाँ पे अवेयर अगर ना हो, हम जागरूक ना हो, तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारा बच्चा श्रवण बाधित है। और अगर समय से अगर ये नहीं पता चलता, बहुत ज़्यादा समय लेता है, तो ये हमारे लिए एक बच्चे के विकास के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। यानी अवेयर हमें कहाँ होना है, हमें शुरुआत के समय में ही बच्चे की स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए। जैसे हम अगर ऐसा चीज़ें हैं तो हम उसके लिए प्रबंध कर पाएँ, हस्तक्षेपण कर पाएँ। तो हमारे इनमें सबसे बड़ा चैलेंज है अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे और अर्ली इंटरवेंशन, ये दोनों बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन। तो सबसे ज़्यादा जो हमें एक हियरिंग इम्पेयर्ड को जानने के लिए है कि उसकी बैबलिंग स्टेज पर ही हम इफेक्ट अगर मालूम हो जाता है, पेरेंट्स अगर अवेयर होंगे तो 6 to 9 months में ही वहाँ पे लड़का बाइबलिंग शुरुआत तो करता है और प्रायः वो छोड़ देता है, करना बाइबलिंग करना छोड़ देता है, जिसको बलबलाना कहते हैं हिंदी में। तो ये स्टेज पे अगर बच्चे को हम रिकग्नाइज करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं कि बच्चा हमारा श्रवण बाधित तो नहीं है, ये अवेयर होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए पेरेंट्स को, अवेयरनेस होना चाहिए हमारी कम्युनिटी को, सभी जगह आज लैक ऑफ अवेयरनेस है। प्रायः ऐसा मान लिया जाता है कि बच्चा श्रवण बाधित है और बाकी चीज़ें वो काम करते रहते हैं, तो लोग ये मान लेते हैं कि ये अब कुछ नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ी है। निगेटिविटी हमें निकालना होगा, हमें उसमें पॉजिटिविटी देखना है कि अगर हम इसके साथ बेहतर कर पाएँ, इसका प्रबंध अच्छा कर पाएँ, हस्तक्षेपण अच्छा कर पाते हैं, तो बच्चा आने वाले समय में ज़रूर उसमें व्यक्तिगत विकास देखने का चांस मिलता है। और अगर हम उसको एजुकेशनल मेनस्ट्रीम में ले आएँ, सोशल मेनस्ट्रीम के साथ हम लगा सकते हैं, लेकिन हमें अर्ली इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और अर्ली इंटरवेंशन तभी हम कर पाएंगे जब हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं चैलेंजेस में। तो सोशल एटीट्यूड, जो लैक ऑफ अवेयरनेस के बाद सोशल एटीट्यूड, हमने बताया हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हम जो हमारा समाज है, हमारा समुदाय है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड इन हेयरिंग इम्पेयर्ड के साथ अगर रखेगा तो हम बेहतर कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो उनके अंदर जैसे हीन भावनाग्रस्त हो जाती है। सबसे बड़ा मनुष्य सामाजिक प्राणी, हमने पहले बताया, अगर वो समाज में रहेगा, लोगों के साथ जुड़ेगा नहीं, तो वो उसके अंदर सामाजिक विकास होना या सामाजिक विकास होना बहुत कठिन हो जाएगा। तो हमें समाज के साथ जोड़ना है, और समाज या समुदाय जिसमें वो बच्चा रह रहा है उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसको एक्सेप्ट करे, उसको समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़े, तमाम ऐसे कार्यक्रमों के साथ उसको जोड़े ताकि उसका सामाजिक विकास बेहतर तरीके से हो जाए। और उसके लिए अलग अलग संभ्रांतियाँ कि ये कुछ नहीं कर पाता है, ऐसे निगेटिविटी को निकालना है, उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है, तभी बच्चे का सामाजिक विकास हो पाएगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सेस टू लैंग्वेज एंड अदर असिस्टिव डिवाइसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहा गया है। आज हम अगर हम बात करें तो हम स्पेशल एजुकेशन या सेग्रीगेटेड एजुकेशन से इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड से आज जो चलन है, हमारा न्यू ट्रेंड है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन का है। और इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य है कि हम सभी प्रकार के बच्चों को एक ही साथ शिक्षा दीक्षा देंगे, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उसी व्यवस्था में रहकर हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन हैं, हमारे श्रवण बाधित बच्चे हों,
चाहे हमारे विजुअल इम्पेयर्ड के हों, चाहे जो भी हो, मानसिक मंद तमाम भी हैं, एक्सेप्शनल चाइल्ड भी होते हैं, उत्कृष्ट बालक होते हैं, जो हाई जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो भी हमारे स्पेशल चाइल्ड्स हैं। तो हम इनको अगर सेंटर पे रख के, इनको ध्यान में रखते हुए हम प्लान करेंगे, तभी उनमें बहुत बेहतर हो सकता है। खासकर जैसे इसमें लैंग्वेज असिस्टिव डिवाइस की बात की गई, तो एक श्रवण बाधित के लिए भाषा बहुत मूल्यवान, बहुत वैल्यूएबल है थिंग। हम श्रवण बाधित बच्चे में अगर सुनना प्रभावित है तो भाषा भी उनका प्रभावित हो जाता है, वाणी उनकी प्रभावित हो जाती है। तो हमें ध्यान देना है कि भाषा विकास के लिए हम बेहतर कब कर पाएंगे, जब हम उनका जल्द से जल्द पहचान कर लें और जल्द से जल्द हस्तक्षेप पर करने। हस्तक्षेप के बाद जैसे इसमें टॉपिक में दिया गया एसएसटी डिवाइस, अगर हम उनको समय से पहचान करके, उनका हियरिंग असेसमेंट करा के, उनको क्लिनिकल उनका रिहैबिलिटेशन करना है, नैदानिक उनका पुनर्वास के तहत हम उनको असेसमेंट हियरिंग स्क्रीनिंग कराएंगे, और कराने के बाद हम उनके लिए एक सूटेबल हियरिंग एड देना चाहेंगे। सूटेबल हियरिंग एड देने के बाद हम उनको ऑडिटरी ट्रेनिंग कराते हैं। ऑडिटरी ट्रेनिंग क्या है? श्रवण प्रशिक्षण। श्रवण प्रशिक्षण के माध्यम से हम उनमें वाणी और भाषा का विकास कराते हैं, संप्रेषण का विकास कराते हैं। ये है असिस्टिव डिवाइस। और खासकर अगर हम असिस्टिव डिवाइस की बात करें, आज जो नया ट्रेंड में है वो हमारे एडवांस हियरिंग एड आ गए हैं, एनालॉजिकल। तो हम ग्रुप और इंडिविजुअल दोनों की बात करेंगे, व्यक्तिगत तौर पे भी एनालॉग वो डिवाइस ले सकता है, और बच्चे का अगर हम डिडक्ट बहुत पहले कर पाते हैं, बहुत पहले अगर जान पाते हैं, तो कॉकलियर इम्प्लांट कराना उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कॉकलियर इम्प्लांट एक हेड में ही हम उसको फिक्स करते हैं। ये ऐसा असिस्टिव डिवाइस है जो बच्चे में ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं कि बच्चे का एक सामान्य बालक की तरह उसमें भाषा और वाणी विकास होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो ऐसे असिस्टिव डिवाइस का होना और एक बच्चे तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तमाम गवर्नमेंट की प्रावधान भी हैं कि अगर बच्चा या पेरेंट्स जिनके बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, अगर वो EWS के तहत आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट बहुत सारी छूट दी हुई है। तमाम योजनाएं हैं जो जिसके तहत श्रवण बाधित बच्चों को श्रवण यंत्र बांटा जाता है, एसएससी डिवाइस। खासकर इनके लिए अगर पढ़ने के लिए जहाँ पे हो, तो वहाँ पे ग्रुप हियरिंग डेट लूप इंडक्शन हुआ, चाहे हार्डवेयर सिस्टम हुआ, चाहे एचएन सिस्टम हुआ, ये तमाम ऐसे डिवाइस हैं जो बच्चों के लिए कक्षा कक्ष में होना बहुत जरूरी है, तभी उनके अस्थायी रूप से उनका हम भाषा विकास कर पाएंगे, ताकि वो शिक्षा में भी अपने आप को शिक्षा की मुख्य धारा से अपने आप को जोड़ पाएँ। ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हमारी चुनौतियाँ हैं जो हमने आपको अभी बताया है, और चुनौतियों के बाद हमारा जो लास्ट हो रहा है, नेक्स्ट पे हम मिलेंगे, ये हमारा लास्ट स्लाइड था। तो हमने आज आपके सामने चर्चा की कि हियरिंग क्या है। हियरिंग के बाद हमने आपको चर्चा में बताया कि कॉन्जिनिटल हियरिंग लॉस क्या है और एक्वायर्ड हियरिंग लॉस क्या है। इसके बाद हम श्रवण बाधित बच्चों को, हियरिंग लॉस वाले बच्चों के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं, इसकी चर्चा की है। ओके थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से मिलेंगे अगले साइड के साथ। थैंक यू।